हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं घिया और चने दाल। तो उसी की रेसिपी, दाल 1 कप, टमाटर छोटे थे इसलिए 5 लिए, थोड़ी सी मिर्ची 5-7, घिया। अब इसको मैंने कुकर में घिया को छील के और दाल को अच्छे से धो के उसके अंदर पानी डाला, दाल के से बड़ा कप, 2 कप पानी, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, मिर्च, क्रश किए हुए टमाटर, काट के नहीं डाले क्योंकि काट के खड़े खड़े हो जाते हैं, इसलिए क्रश किया है जिससे वो घुल जाएंगे दाल में। बहुत टेस्टी और अच्छी सब्जी बनती है, दाल बनती है, मतलब सब्जी नहीं है, दाल। दाल के अंदर घिया डालकर उसकी सब्जी। अब कुकर को सीटी लगाने रख दिया, दाल जब गल जाएगी तब उसमें बाकी का हम छोंक लगाएंगे, यानी तड़का लगाएंगे। 5-6 सीटियों के बाद हम दाल को चेक करेंगे कितने हमें प्याज लहसुन अदरक को काट कर क्रश कर लेंगे बारीक बारीक। टमाटर हमने पहले डाल ही दिए थे, दाल और घिया दोनों पक गए हैं। अगर दाल कच्ची रहती है तो दोबारा 2 सीटी और लगाकर पका सकते हैं। दाल अच्छे से मेरी एक बार में ही पक गई है। अब फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद मैंने उसमें जो मेरा मसाला मैंने क्रश करके रखा था, प्याज लहसुन अदरक का, वो डाल रही हूँ। पहले हींग डाली थोड़ा, हींग से थोड़ा सा खुशबू अच्छी आ जाएगी। हींग हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर बाकी का क्रश किया हुआ प्याज लहसुन अदरक डाल देंगे और प्याज गुलाबी होने तक भूनेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी कोई मेरी नेक्स्ट रेसिपी आए तब। अब प्याज और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे, मैंने भून लिया है। उसको भूनने के बाद हम उसमें जो है अपना, देखो अच्छे से भून गया है, उसको छोंक लगा देंगे। और थोड़ी सी दाल हम फ्राई पैन में डाल के जो नीचे का जो रखा वो पे उसमें प्याज लहसुन वो आ जाएगा उसमें। अब इसे हम फिर चढ़ाएंगे गैस के ऊपर और इसमें
कटा हुआ धनिया और गरम मसाला वो डालेंगे। अब मैंने इसमें धनिया डाला और गरम मसाला, जिससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो ये गरम मसाला डाला और अब इसको हम 5-7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे धनिया और गरम मसाले की खुशबू उसमें अंदर रहे, उड़े ना। और ये हमारी दाल बनके तैयार हो गई, तड़के वाली चने घिया की दाल, बहुत अच्छी होती है, टेस्टी भी बनती है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये रहता कि बच्चे नहीं खाते तो बच्चे भी खाते हैं। घिया घुल गया है तो इसलिए बच्चों को पता भी नहीं चलता कि घिया बीच में है कि नहीं। तो आप सबका धन्यवाद, दिन शुभमय हो। लाइक सब्सक्राइब एंड